गाइज स्टार्ट करते हैं। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आज लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में अच्छे से स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये जो नॉमेनक्लेचर है ये होता क्या है। तो नॉमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देख लीजिएगा। द आर्ट ऑफ गिविंग नेम्स टू द ऑब्जेक्ट इन साइंटिफिक मैनर एक्सेप्टेबल बाय ह्यूमन बींग्स। एक ऐसा मतलब एक आर्ट, एक ऐसा तरीका जिससे हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसी नेमिंग करने के आर्ट को, जिसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये नॉर्मली बेसिकली दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन हो गया वर्नाकुलर नेम और लोकल नेम्स। ये एक ऐसा नेम होता है जिसको हम लोग रीजनली बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में मतलब लोकेशन बाय लोकेशन, रीजन बाय रीजन क्या होता है, नेम चेंज होते रहते हैं। जैसे किसी चीज को कुछ और बोलते हैं और किसी मतलब ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ नया नाम बोलते हैं। किसी दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां पे कुछ नया बोलते हैं। तो ये रीजनली अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो अगर सपोज आप मैंगो, अगर मतलब कैसे नॉर्थ इंडिया में नॉर्मली मैंगो मतलब या फिर आम बोलते हैं, ठीक है। अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पे आम को कुछ और बोलते होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक नेमिंग वैरायटी जो होती है बहुत सारी अलग अलग होती है। तो ये एक वर्नेकुलर नेम हो गया जो कि लोकली सिर्फ रीजनली ही अवेलेबल होता है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये नाम होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्नेकुलर या फिर लोकल नेम बोलते हैं। तो लोकल नेम एक पर्टिकुलर रीजन में या फिर किसी अर्थ किसी एक पर्टिकुलर पार्ट्स में किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ही वर्नेकुलर नेम या फिर लोकल नेम लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल बोल दूं आप लोगों के सामने कि हेलियंथस एनस करके एक चीज होती है, हेलियंथस एनस, ठीक है। ये हेलियंथस एनस क्या होता है, ये एक साइंटिफिक नेम है। इसको अभी अगर समझ लो अपने अपने एरिया में, जैसे कि ये नॉर्मली सनफ्लावर होता है, क्या होता है, ये सनफ्लावर होता है, तो इंग्लिश में इसको सनफ्लावर बोलते हैं। फिर अगर समझ लो अपने इंडिया में आ जाओगे तो सूरजमुखी या फिर सूर्यमुखी, तो ये अलग अलग टाइप का फ्लावर होता है, ठीक है। तो ऐसे हजारों इसके नाम हो सकते हैं अलग अलग लोकलिटी में, अलग अलग रीजन में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल नेम इसका सनफ्लावर है। इंग्लिश में इसको सनफ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो यूरोपियन साइड में सनफ्लावर, मतलब अमेरिकन कंट्रीज में भी सनफ्लावर बोलेंगे, साउथ इंडिया में कुछ, नॉर्थ इंडिया में कुछ, या इंडियन कंट्रीज में कुछ अलग बोलेंगे, एशियन कंट्रीज में भी कुछ अलग बोलेंगे, ठीक है। तो ये सनफ्लावर हो गया, लेकिन इसका जो साइंटिफिक नेम है ये परफेक्ट है, ठीक है, ये हेलियंथस एनस ही रहेगा। तो ये हम लोग अभी आते हैं साइंटिफिक नेम में। फर्स्ट टाइम इसको कौन प्रपोज किया था, तो लाम में उस साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लिनॉस करके उनको बोलते हैं। इन्होंने साइंटिफिक नेम फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया था। और ये आईसीबीएन एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो आर्ट ऑफ गिविंग नेम्स है। तो ये जो नॉमेनक्लेचर है ये आईसीबीएन डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स भी है, तो रूल्स के जैसे कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जीनस होता है, स्पेसीज होती है यानी कि स्पेसिफिक नेम हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग साइंटिफिक नेम देते हैं। साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका यूज क्या है, तो हम लोग अगर साइंटिफिक नेम में बोलूं हेलियंथस एनस, तो किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कोने में अगर मैं जाऊंगा इस पूरी दुनिया में, अगर मैंने बोला हेलियंथस एनस मुझे चाहिए, तो वो क्या दे देंगे, हमें सनफ्लावर दे देंगे। बट अगर मैं किसी भी दूसरे ऐसी रीजन में जाता हूं, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गया और वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज सपोज या फिर फ्रेंच समझते हैं, वहां पर अगर सपोज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझा तो सनफ्लावर का मीनिंग वो जानेंगे ही नहीं। यानी कि सन जो लोकल नेम होता है ये तो सनफ्लावर लोकल नेम है, हेलियंथस एनस ये एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है ना। तो जेनेरिक नेम शुड कम फर्स्ट विद कैपिटल लेटर, ये इसका रूल से कुछ, ठीक है। तो जो इसका जेनेरिक नेम होता है वो हमेशा फर्स्ट आना चाहिए, यानी कि जहां से एक ऐसा इसका जो मेन एक्चुअली नेम है। जैसे कि अगर मैं मैंगो की बात करूं, ये मैंगो लिखा हुआ है, मैंगो ये रीजनली हम लोग बोलते हैं, तो मैंगो का जेनेरिक नेम मैंजीफेरा होता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो जेनेरिक नेम क्या होता है इसका, मैंजीफेरा होता है। तो हमेशा हमेशा फर्स्ट आना चाहिए और इसका कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो हमेशा कैपिटल में होना चाहिए। सेकंड क्या है, साइंटिफिक नेम मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक, जो ये पूरा साइंटिफिक नेम है ये देखो कैसा इटैलिक में होता है, जैसे बोल्ड बोला तो ऐसा बोल्ड ऐसा पूरा मतलब ऐसा बोल्ड मतलब ऐसा हो गया, ठीक है। इटैलिक बोला तो हल्का सा टेढ़ा सा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, ऐसा इटैलिक, तो इटैलिक में होना चाहिए अगर प्रिंट कर रहे हो तो। जो जेनेरिक नेम्स और स्पेसिफिक नेम्स जो है वो शुड नॉट हैव मोर देन 13 और लेस देन 3 लेटर, ये याद रखना है, कभी भी 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए कोई भी साइंटिफिक नेम या फिर मतलब जो जेनेरिक नेम है, ये जेनेरिक नेम है, ये जेनेरिक नेम कभी भी 13 लेटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 3 लेटर से कभी कम नहीं होना चाहिए। और ये जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, यहाँ पे कौन सी कंट्री से बना, तो इंडिका यूरोपियाना या फिर ऐसा बोलते हैं इंडियाना ऐसा, तो मतलब कौन से कंट्री ऑफ ओरिजिन है इसका, तो ये हो गया, ये इसका जेनेरिक नेम, कंट्री ऑफ ओरिजिन। और लास्ट में जिस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम इस नेम को डिस्कवर किया उसके नाम का फर्स्ट लेटर हम लोग लास्ट में लिखते हैं। जैसे कि इसका एल का मतलब यहाँ पे लिनॉस है, यानी कि लिनॉस ने इसका फर्स्ट टाइम नाम रखा था सनफ्लावर, ये जो मैंगो है मैंजीफेरा इंडिका का, तो लास्ट में उनका नाम उस साइंटिस्ट का नाम एल ये आना चाहिए, यानी कि लास्ट में हमेशा
कैपिटल लेटर में साइंटिस्ट का नाम होता है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ पे ये ओरिजिनेटेड हुआ है, ये वाला जो भी ऑब्जेक्ट है, फिलहाल अभी ये मैंगो है तो मैंगो कहाँ पे ओरिजिनेटेड है, तो इंडिया में। फिर मैंजीफेरा मीनिंग इसका एक जेनरिक नेम है, तो ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं। जेनरिक नेम आपको याद करना पड़ेगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन तो पता ही होनी चाहिए, और किस साइंटिस्ट ने उसको प्रपोज किया वो लास्ट में हम लोग लिखते हैं। तो ऐसे हम लोग किसी भी बॉटनिकल यानी किसी भी प्लांट या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम लोग नेमिंग करते हैं, जिसको आईसीबीएन क्या करता है, डिसाइड करता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग नेमिंग करते हैं, ये बहुत ही नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग लिखते हैं वायरस और वायरॉइड्स के बारे में। तो चलो गाइस, अभी हम लोग असेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जो आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था फाइव किंगडम का, जैसे कि मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। तो इनके अंदर ये जो अलगल है, ये मतलब जो असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये इसके अंदर क्लासीफाई मतलब नहीं हुए थे। मतलब फाइव किंगडम जो क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिजम्स का, वो इन वायरसेस को, इन असेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कंटेन नहीं करता है। समझ गया? नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स डज नॉट कंटेन सेल वॉल। मतलब जो असेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्टली इनके अंदर सेल वॉल या फिर मतलब ऐसा अब्सेंट होती है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोस्टली मतलब अब्सेंट रहता है ज्यादातर। ठीक है, नाउ हैविंग देयर थ्री टाइप्स, इनको थ्री टाइप्स होते हैं। ये असेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या होते हैं? तो एक्चुअली ये वायरस, वायरॉइड्स और लाइसेंस होते हैं। तो जो लाइसेंस है और वायरॉइड्स है और वायरस है, इनको हम लोग एकदम डीप में समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। ठीक है, तो जो एक्चुअली ये वायरस है, इसके बारे में पहले देखते हैं बहुत ही डीप में। तो वायरस का मीनिंग होता है वेनम या फिर पॉइजन होता है। ठीक है, और दे आर एबल टू माइग्रेट ओवर अगार जेल। ये अगार जेल एक्चुअली होता क्या, ये हम लोग प्रैक्टिकल के लिए एक टाइप का जेल यूज करते हैं जो कि मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट को मतलब शो करता है। ठीक है, तो ये अगार जेल है, इसके अंदर ये माइग्रेट होते हैं, जो वायरस होते हैं इस अगार जेल के अंदर ये माइग्रेट कर सकते हैं। मीन्स वायरस कैन माइग्रेट ओवर द अगार जेल। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है, फिर वायरस आर इनर्ट आउटसाइड। इस वर्ड का बोलने का मतलब क्या है कि जो वायरसेस होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी वो इनर्ट होते हैं, यानी कि डाइड समझा जाता है उनको। और जैसे कोई उनको होस्ट मिल जाता है, होस्ट बोलने का मतलब क्या है कि जैसे उनको कोई एक मतलब जगह मिल गई जहां पे वो रह सकते हैं, तो वहां पे उनके अंदर तुरंत ही लाइफ आ जाती है। ठीक है, यानी कि वायरस आउटसाइड यानी कि इन्वायरमेंट में कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं यानी खत्म जैसे होते हैं, और जैसे अंदर जाएंगे उनके अंदर लाइफ आ जाएगी। ठीक है, नाउ दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जो वायरस होते हैं मोस्टली ये प्रोटीन से बनते हैं, और वो जिस प्रोटीन से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे, और इसको इन्फेक्शियस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन को ग्रो कर सकता है। जैसे ही एक बार इनको होस्ट सेल मिला तो ये वायरस बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और अपने आपको मल्टीप्लाई करना, एक से दो, चार से पांच, ऐसे हम डायमेंशनली क्या करते हैं, अपने आपको मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे अपने नंबर को, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए इनको इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, वायरस के मोस्टली दो टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो इनके अंदर कोई कोई कुछ वायरस होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन ही नहीं करते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो कि डीएनए का जो वायरस होता है, कुछ कुछ मतलब डीएनए वायरस मींस बोलने का मतलब क्या है कि जो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा वो डीएनए का होगा, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो वायरसेस होता है कुछ कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, कुछ कुछ के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और कुछ कुछ के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है डायरेक्टली। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे मोस्टली थ्री टाइप के जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं जो कि वायरसेस के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जो इनके अंदर कुछ और चीजें हैं जैसे कि हैविंग प्रोटीन कोट, जैसे कि वायरस है सपोज, तो उसके आउटसाइड में कोटिंग होती है प्रोटीन की, उसी प्रोटीन की कोटिंग को हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कैप्सिड बोलते हैं। और यही कैप्सिड क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को। जो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भरा होता है उसको प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ये कैप्सिड प्रोवाइड करता है। ये कैप्सिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन कोटिंग बोलते हैं। ये प्रोटीन से कोटेड चीज होती है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और ये वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वायरसेस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वायरॉइड्स। तो ये एक्चुअली जो वायरॉइड्स होता है ये क्या होता है, तो ये साइज में वायरस से भी छोटा होता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरॉइड्स ये जो वायरस होता है इससे भी छोटा होता है। हैविंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जैसे देखो यहाँ पे जो वायरस कैसा हो सकता है, सिंगल का भी हो सकता है स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए भी कंटेन कर सकता है। तो वायरॉइड्स क्या होता है, ये स्मॉलर होता है,
किससे, वायरसेस से भी, और इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो इसका मॉलिकुलर वेट होता है ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोटीन कोट होती है यानी कि कैप्सिड, ये भी क्या होती है, अब्सेंट होती है, समझ गया। और इसके अंदर क्या थी, प्रेजेंट थी, क्या क्या प्रेजेंट था, कैप्सिड, ठीक है। और इसके अंदर कैप्सिड क्या है, प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या है, अब्सेंट है। वायरॉइड्स के अंदर कैप्सिड यानी प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है, और फर्स्ट टाइम ये पोटैटो के, जो पोटैटो का स्पिंडल था उसके अंदर फाउंड हुआ था, ठीक है। पोटैटो के स्पिंडल के ऊपर फाउंड होता है, यानी कि पोटैटो की जो ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर, जो स्पिंडल होती है पोटैटो की, उसके अंदर ही ये वायरॉइड्स मिला था। नेक्स्ट क्या है, लीचेंस है, तो लीचेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर को एग्जिस्टेंस ऑफ अलगी एंड फंगाई फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। को एग्जिस्टेंस का बोलने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, ठीक है। तो ये जो लीचेंस होते हैं ये मोस्टली अलगाए और फंगाए दोनों के को एग्जिस्टेंसली होते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी कि अगर समझ लो अलगल साइड वाला अगर लीचेंस गायब हो गया तो फंगाई साइड वाला भी खत्म हो जाएगा, अगर फंगाई वाला रहा तो अलगल भी खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम में एक को एग्जिस्टेंशियल लाइफ कैसा प्रोड्यूस्ड है, किसमें किसमें, जैसे कि हम है और प्लांट्स है, अगर प्लांट्स खत्म तो हम भी खत्म, अगर हम खत्म तो प्लांट्स खत्म, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमारे में एक सिम्बायोटिक रिलेशन है हमारे और प्लांट में, वैसे ही इस अलग ये जो लीचेंस होता है इसमें अलगी और फंगाई के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। इन्हीं दोनों के बीच में जो भी ऑर्गेनिजम्स होता है जिनमें ये अलगी और फंगाई कंबाइंड होते हैं, उसी एक दोनों कॉम्बिनेशन को लीचेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अभी सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में समझते हैं। ये जो सिम्बायोसिस होता है, सिम्बायोसिस क्या बोलते हैं, जैसे कि समझ लो अभी जैसे कि हम ये ह्यूमन बींग्स है और ये प्लांट्स है, अगर समझ सपोज ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन गैस या अगर नहीं लेंगे तो उसको ऑक्सीजन गैस चाहिए तो प्लांट उसको देता है, और अगर ये CO2 रिलीज नहीं किया तो प्लांट्स खत्म हो जाएगा, अगर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया तो ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स है और प्लांट्स के बीच में क्या है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही अल्गी और फंगाई के बीच में जो लीचेंस है एक टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट करता है। तो यहां पे थोड़ा देखना, अलगल लाइचेंस और फंगल लाइचेंस, जो एक लाइचेंस है जिसका हाफ पार्ट अलगल का है और हाफ किसका है, फंगल का है, ठीक है। तो ये अलगल लाइचेंस और जो फंगल लाइचेंस है ये क्या करता है, तो जो अलगल साइड वाला लाइचेंस होता है ये फूड प्रोवाइड करता है किसको, फंगल वाले को, जिससे फंगल वाला एग्जिस्ट करता है, और जो फंगल वाला है ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है किसको, अलगल वाले को, जिससे अलगल वाला भी क्या करता है, अपने आप को एग्जिस्टेंस में रख पाता है, समझ गया। तो ये दोनों इस तरह क्या करते हैं, एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म करते हैं, यानी कि सिम्बायोसिस बनाते हैं, यानी कि इनकी लाइफ को एग्जिस्टेंशियल होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।